प्यार, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। सभी जन अपने सिरों को झुकाएं, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु।
प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah।
राजाओं का राजा प्रभु येसु, सामर्थवान शक्तिशाली प्रभु, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हम तेरी आराधना करते हैं। सभी स्वर्ग दूतों के साथ, सारी मानव जाति के साथ, कलीसिया के साथ, तेरे भक्तों के साथ, दूतों और संतों की संगति से मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। प्रियजनों, ये सुनहरा मौका है जब स्वयं प्रभु हमारे बीच में है। जिसकी हम राह देख रहे थे वो हमारे बीच में है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35, प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु ने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त यीशु से जुड़ जाना, पवित्र संस्कार की आराधना में पूरे मन से, हृदय से, आत्मा से
भाग लेना, कुछ समय के लिए अपने रोगों को भूल जाना, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, हर प्रकार की चिंता, इन तमाम बातों को भूल कर, दुखों को भूल कर अपना मन, अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाना। प्रभु जो आनंद हमें प्रदान करता है उसमें जीवन है, और वो आपके चेहरे को उस खुशी से, उस नूर से भर देता है। अपनी सारी समस्याओं को भूलकर प्रभु से बातें करना, प्रभु से मशवरा करना, क्योंकि प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, बेटा तुम दुखी क्यों, बेटी तुम दुखी क्यों, तेरा चेहरा उदास क्यों है, तू निराश क्यों है, तू चिंता में क्यों डूबा है, देख मैं तेरी खोज में तेरे पास आ रहा हूं। कुछ समय के लिए अपने हृदय को खाली करना, प्रभु के सामने अपना हृदय खोलना है। लोगों के सामने अपना हृदय खोलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल चिंता, दुख, बदनामी, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। बहुत कम लोग हैं जो आपका उत्साह वर्धन करते हैं, अन्यथा अधिकांशता लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश ही करते हैं, परंतु प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है। वो आज आपकी खोज में, आपके परिवार में इस स्तुति आराधना के द्वारा आना चाहता है। हो सकता है लोगों की बातों ने आपको दुख पहुंचाया हो सकता है कि लोगों की बातों ने आपको कष्ट पहुंचाया हो सकता है आपकी अपेक्षाएं लोगों से बहुत ज्यादा रहती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो आपको दुख होता है। इसलिए प्रभु कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो अपना चित्त परमेश्वर में लगाता है। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा ने दो पाप कर डाले हैं, उन्होंने जल स्रोत के झरने को त्याग दिया है, अपने लिए ऐसे जलकुंड खोद लिए हैं जिनमें दरारें हैं। प्रियजनों, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं टूट गया हूं, प्रभु मुझे लगता मैं हारा हुआ हूं, कभी कभी अपने जीवन में निराश महसूस करता हूं दुखों के कारण, हे प्रभु मेरे जीवन में आंतरिक चंगाई की जरूरत है। हो सकता है माता के गर्भ से आपके जीवन में अभी तक कोई ना कोई चोट रह गई हो, बचपन से हो सकता है आपके जीवन में कोई चोट लगी हुई है, हो सकता है आपको प्रेम नहीं मिला है, हो सकता है पति पत्नी का आपस में प्रेम ना रहा हो सकता है बचपन से ही माता पिता ने बच्चे को प्रेम ना दिया हो। प्रभु कहता है, तू क्यों चिंता करता है, मैं तुझे प्रेम करता हूं। और इन्हीं बातों के कारण वो हृदय पर लगी हुई चोटें आज तक दुखती हैं, और वो क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, चंचलता और बेचैनी के रूप में हमारे जीवन में आकर दरवाजा खटखटाती रहती है। इसलिए आज के दिन में आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टूटे हुए हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके हृदय पर, आत्मा पर घाव है। चाकू का घाव अच्छा हो जाता है, वचनों के द्वारा लगा हुआ घाव जल्दी भरता नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने हृदय को आप संभाल कर रखना, अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखना, क्योंकि जुबान के द्वारा लगे हुए घाव जल्दी मिटते नहीं हैं। प्रभु आपको आज शांति देना चाहता, चंगाई देना चाहता है। जो निराश हैं, जो टूटे हैं, जो अपराध बोध के कारण दबे हुए हैं, जो अपने भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधियों, पड़ोसियों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, प्रभु आपको आज चंगा करेगा, आंतरिक चंगाई प्रदान करेगा, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। आप उससे मशवरा करें और प्रभु से दया की याचना करें और कहें,
हे प्रभु आज मुझे तुझसे कुछ बातें करनी हैं, मुझे तुझसे कुछ हिसाब करने हैं, अपने परिवार के विषय में तुझसे कुछ मशवरा करना है। क्यों मेरे जीवन से क्रोध नहीं जाता, क्यों मेरे बेटे की शादी नहीं होती है, क्यों हमारी संपत्ति पर श्राप लगा हुआ है, क्यों हमारे जीवन में आर्थिक तंगियां हैं। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मेरी बातों को सुनने की कृपा कर। हम गीत गाएंगे, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो रहस्य आप जिनको समझने में असमर्थ हैं। क्यों आपके जीवन पर बंधन लगा हुआ है, क्यों आपके बच्चों की उन्नति पर बंधन है, क्यों आपके जीवन में हमेशा रोग ही रोग रहता है, क्यों आप चंगे नहीं होते हैं। प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, मुझे वचन का ज्ञान दे, अपने रहस्यों को मेरे जीवन पर प्रकट कर, मेरे परिवार के सारे पाप श्राप बंधन टूटे, मैं तेरे प्रेम में बढ़ता जाऊं, तू बढ़ता जा और मैं घटता जाऊं। मेरी बातों से, मेरे कामों से प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, मेरे चेहरे पर तेरा नूर चमके, मेरा हाथ थाम कर तू मेरी जिंदगी के तूफानों को शांत कर दे। जो कहे तो चश्मेदारी, तू जो कहे तो चश्मेदारी, फिर थम जाए तो पाभारी, फिर थम जाए तो पाभारी, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो तू जो कहे तोरा, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूका सरूर दे, मसा भरपूर दे, रूका सरूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बढ़ा दे हाँ। मुझे कुछ
देनी है माँ, यीशु आज तेरे साथ, मुझे कुछ करनी है माँ, यीशु आज तेरे साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, हे प्रभु यीशु विश्वास के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, पूरे घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छी चीज़ें देने के लिए, अच्छे मित्र, अच्छे भाई बंधु माता पिता देने के लिए, हे पिता परमेश्वर तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते, तेरे इन बच्चों के हृदय में प्यार भर दे प्रभु, इनके हृदयों से नफरत निकले, ईर्ष्या द्वेष घृणा की बातें प्रभु ये छोड़े, शैतान के सारे बदरूहों के लश्कर तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए, इनके दादा परदादा इनके माता पिता को माफ कर, उनके जीवन में चली आई निरर्थक जीवन चर्या जिनके द्वारा उन्होंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया प्रभु माफ कर दे, तेरे नूर में हम बढ़ते जाए, दुश्मन पे हम फतेहा पाए प्रभु हम पर दया कर, तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं फतेहा पाऊं, दुश्मन पे मैं फतेहा पाऊं, मुझ में तेरा नूर हो मसाबर पूर हो, मुझ में तेरा नूर हो मसाबर पूर हो, वो दिन हो यारा, एक साथ कुछ कुछ करनी है माँ, यीशु आज तेरे साथ, मुझे कुछ करनी है माँ, मुझे कुछ करनी है बा, यीशु आज तेरे साथ, मुझे कुछ करनी है बा, यीशु आज तेरे साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप इस पवित्र रोटी में, आप इस पवित्र रोटी हमारे बीच में हाजिर हैं, हमारे बीच में हाजिर हैं। हालेलुया हालेलुया, हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, दूसरा इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, अध्याय सात, अध्याय सात, पद संख्या चौदह, पद संख्या चौदह, तब यदि मेरी अपनी प्रजा, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा, और उसके देश का कल्याण करूंगा, और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया हालेलुया, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय सैंतीस, अध्याय सैंतीस, पद संख्या उन्नीस, पद संख्या उन्नीस, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको, जिससे वह तुम सत्य के मार्ग पर ले चले, सत्य के मार्ग पर ले चले। हालेलुया हालेलुया, यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय पचपन, अध्याय पचपन, पद संख्या छः, पद संख्या छः, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चली जा, तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है,
जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे, तब तक उसकी दुहाई देती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 7 पद संख्या 7 मांगो और मिलेगा, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढे और तुम्हें मिल जाएगा। संकट के समय मेरी दुहाई दो, संकट के समय मेरी दुहाई दो, और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे, और तुम मेरा सम्मान करोगे। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 38। गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 टू 38। वचन पढ़ेंगे, प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुत कुछ समझाना चाहता है। अध्याय 1 पद संख्या 35 से लेकर 38 तक। दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं, और उस दिन वह उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। तो जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस कहलाओगे। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया, और उनकी भेंट फिलिप से हुई, और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेथसाइदा का अंद्रियास और पेत्रुस के नगर का निवासी था। प्यारे भाइयों और बहनों, 2-3 सवालों के जवाब यहां पर प्रभु हमें देता है, और साथ ही आपसे सवाल पूछता है। योहन के शिष्य उनके साथ सेवकाई कर रहे थे। वो प्रभु के आगमन की घोषणा करता था, और योहन के चेले उसके साथ साथ रहते थे। एक दिन जब योहन ने ईसा को, जैसा कि वचन में लिखा है, अपनी ओर आते देखा, उधर से गुजरते हुए देखा, तो उन्होंने इशारे से कहा अपने शिष्यों से, देखो कि ईश्वर का मेमना। अब तक योहन के शिष्य ये समझ रहे थे कि शायद योहन ही मसीह है, क्योंकि वो दिन रात वचन लोगों को बताता, प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, ऐ सांप के बच्चों, ऐ करैत के बच्चों, इस तरह से वो लोगों को संबोधित किया करता था। टिड्डियां और मधु उसका भोजन था, टाट ओढ़े वो रहता था, और लोग उसको पागल समझते थे, क्योंकि वो घूम घूम कर प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया करता था। तो उन्होंने देखा कि हमारा गुरु ये कह रहा है, योहन ये कह रहा है कि वो देखो ईश्वर का मेमना।
तो हम यहां क्यों खड़े हैं? हम इसके पास क्या कर रहे हैं? हमें तो यीशु के पास जाना चाहिए। अगर वो ईश्वर का मेमना है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। और वो ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने दो अनजान व्यक्तियों को अपने पीछे आते देखा और उनसे पूछा, क्या चाहते हो? जैसे कि आप सब लोग इस वक्त वचन सुनने के लिए यहां मंदिर में आए हैं, प्रभु आपसे ये सवाल करता है, क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप कहां रहते हैं? तो यीशु ने कहा, आओ और खुद देख लो कि मैं कहां रहता हूं। लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, चिड़ियों के अपने घरौंदे हैं, और मानव पुत्र के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा होगा कि यीशु कहां रहता है? क्या देखा होगा उन्होंने? मैं समझता हूं कि उन्होंने देखा होगा कि यीशु घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लंगड़ों को पांव दे रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, पापियों को क्षमा दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और पूरी रात पूरा दिन वहां लिखा है वचन में, उस वक्त लगभग शाम के 4 बजे थे और वो पूरा दिन उनके साथ रहे और उन्होंने देखा कि यीशु कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, किन लोगों के साथ रहता है, वो देख कर गए। जैसे ही उन्होंने उनके कामों को देखा, जैसे ही उन्होंने उनकी शिक्षा को सुना, उनमें से एक पेत्रुस का भाई अंद्रियस दौड़ के जाता अपने भाई के पास और कहता है, भाई आ जाओ, मसीह मिल गए हैं। और वो अपने भाई की बात पर विश्वास करता है और ईसा के पास चला आता है और प्रभु उससे पूछता है कि क्या तुम योनस के पुत्र सिमोन हो? तुम योहन के पुत्र सिमोन हो? तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। पेत्रुस का अर्थ है चट्टान। प्रभु उसके विषय में भविष्यवाणी कर देता है, उसके विषय में घोषणा कर देता है। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? ये सवाल प्रभु यीशु आपसे पूछता है। आप अपने घर में इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन की बातों में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। What are you looking for? प्रभु आपसे पूछता है, आप क्या चाहते हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? जीवन के तुम्हारे 60 वर्ष बीत गए, क्या ढूंढा है तुमने? क्या मिला तुमको? 40 वर्ष तुम्हारे बीत गए, 20 किसी के बीते हैं, तो किसी के 30 बीते हैं, तो किसी के 50, तो किसी के 60, तो 70 या 80 वर्ष बीत चुके हैं। क्या आपने ढूंढा? क्या आपने देखा कि यीशु क्या करता है? अगर देखा है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप चुप नहीं रह सकते। जैसे कि शिष्यों ने एक दिन के अंदर देखा कि यीशु क्या कर रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, दे हैड द रियल एक्सपीरियंस विद जीसस, दे एनकाउंटर्ड विद जीसस, उन्होंने यीशु के साथ बैठा, खाया, पिया, उनके कामों को देखा और उसके बाद वो चुप नहीं रहे, दौड़ के गए और दूसरों को बुलाकर लाए। क्या आपने अभी तक देखा? प्रभु आपसे पूछ रहा है, सालों से तुम आराधना कर रहे हो, सालों से अब्बा पिता की प्रार्थना दोहराते हो, सालों से वचन सुन रहे हो, सालों से वचन पढ़ रहे हो, सालों से तुम लोग घुटना टेक कर उपवास करते, प्रार्थना करते हो, आओ और देखो, क्या देखा है तुम लोगों ने? ये सवाल आज की रात्रि के लिए और आने वाले कल के लिए प्रभु हमसे पूछता है। शिष्यों ने देखा कि वो कहाँ रहते हैं और उन्होंने जाकर लोगों को बताया, प्यारे भाइयों और बहनों, कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो जो व्यक्ति अगर प्रभु का अनुभव प्राप्त कर लेता है, वो चुप नहीं बैठता है, लेकिन जिसने अभी तक उसको अनुभव नहीं किया, उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। पनघट पर एक औरत बैठी हुई थी जो समारी थी। समारियों को यहूदियों के राज्य में, देश में रहने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि समारी लोग नीची जाति के समझे जाते थे। समारियों की हकीकत यह थी कि उन्होंने
गैर जातियों के साथ विवाह करके अपने पूरे कबीले को दूषित कर लिया था। समारियों ने अपने लिए अपने सुसमाचार तैयार कर लिए थे और वो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जैसा जीवन चाहते थे वैसा व्यतीत करते थे, इसलिए उनको यहूदियों के गांवों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, वो अलग रहा करते थे। प्रभु जानता था कि इस समारी स्त्री के जीवन में क्या कमी है, इसलिए वो उसका जीवन बदलना चाहता था। इसलिए वो पनघट पर जाता है, यीशु तो यहूदी थे, वो जाते हैं और उस स्त्री से कहते हैं मुझे थोड़ा पानी दे दो। वो आश्चर्यचकित हो जाती कि एक यहूदी एक समारी स्त्री से पानी पूछ रहा है, ये कैसा आश्चर्य है। वो असमंजस में पड़ जाती है और वो कहने लगती है कि आप यहूदी जात होकर आप एक समारी स्त्री से पानी मांगते हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहता है कि तेरे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तू अब रहती है वो तेरा नहीं है। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य होता है, हैं? ये क्या बात, एक तो ये यहूदी मुझसे पानी मांगता है और ऊपर से ये मेरे जीवन की हर एक हकीकत को जानता है। प्रभु ने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा अगर तू उसको पिएगी तो तुझे कभी प्यास न लगेगी। तीसरा आश्चर्य, कहती तेरे पास तो बाल्टी भी नहीं है, ना तेरे पास रस्सी है, तू कुएं से कैसे पानी निकालेगा। तीसरा आश्चर्य, और प्रभु ने उसके पिछले जीवन की सारी बातों को उसे कह सुनाया। वो आश्चर्यचकित हो गई, वो दौड़ती है गांव की ओर, चुप नहीं बैठती है और जाकर लोगों को बताने लगती कि आओ और देखो पनघट पर मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जिसने मेरे जीवन की हकीकत को बयां कर दिया है, वो मेरे जीवन के विषय में सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो विश्वास करती है। प्रभु यीशु कहता है जो जल मैं तुझे दूंगा अगर तू उसे पिएगी तो तुझे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु वो संजीवन जल आपको देना चाहता है, हर उस व्यक्ति को जो, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से बहुत दूर है। देखिए जब वचन हम पढ़ते हैं, वचन हम सुनते हैं, प्रभु हमें चुनौती देता, आओ और देखो और तुम स्वयं अनुभव करो। और अगर कोई सचमुच में अनुभव करता है, वचन सुनता है, वचन को आत्मसात करता है, उसे खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, आत्मसात करता है, तो उसके जीवन में वो बातें चरित्रार्थ होने लगती। चरित्रार्थ होने का मतलब जो वचन आप यहाँ सुन रहे हैं चार दीवारी के बाहर काम करना शुरू करता है और आपके कदम उस भलाई के काम की ओर बढ़ने लगते हैं, आप प्यार की भाषा बोलने लगते हैं, आदर सम्मान की भाषा बोलने लगते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है बिकॉज यू हैव एनकाउंटर्ड जीसस। लेकिन जब तक ये एनकाउंटर नहीं होता है, व्यक्तिगत अनुभव जब तक नहीं होता है, तब तक कुछ भी नहीं बदलता है। बहुत सारे लोग, आप में से तमाम लोग प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम रोजरी माला विनती पाठ पढ़ना, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। और सीधा सा मतलब है कि आपका प्रभु से अभी एनकाउंटर नहीं हुआ है, ताल्लुकात नहीं हुआ है, आपके हृदय के तार यीशु के जीवन से नहीं जुड़े हैं, जहां से आपको वो मसा, वो नूर मिलता है, जिनके ऊपर वो नूर है उनके चेहरे चमकते हैं, उनके हृदय चमकते हैं, उनकी आत्मा चमकती है, वो दूसरों की भलाई खोजते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन दो शिष्यों ने भी यही देखा और उस दिन से वो उनके पीछे हो लिए, उस दिन से वो उनके पीछे हो लिए। तो प्रभु क्या कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि तुम क्या चाहते हो, क्या भौतिक सुख चाहते हो,
आराम चाहते हो, ऐश की जिंदगी चाहते हो, मनोरंजन की दुनिया चाहते हो, या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल रहते हो, या तुम्हें नींद से प्यार है, प्रभु कहता नींद से जागो, ये दिन बुरे हैं, नींद से जागो, ये दिन बुरे हैं, तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे कहता है तिमोती का पहला पत्र अध्याय 6:7 में, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट तिमोथी chapter 6:7, कि हम इस संसार में क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1:21, बुक ऑफ जॉब chapter 1:21 हम पढ़ते हैं कि अय्यूब कहता है मैं नंगा ही माता के गर्भ से आया और नंगा ही इस पृथ्वी के गर्भ में चला जाऊंगा, ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने ले लिया है, हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, ये दुनिया में क्या रखा है। और मैं अक्सर कहता हूं, बाइबल कहती है स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष और स्वास्थ्य खराब है तो 60 वर्ष। अगर आप 80 की उम्र पार कर जाते हैं और जितने साल आप रहते हैं, या फिर बीमार होने के बावजूद भी आप 70 की उम्र पार कर जाते हैं, तो ये दिन बोनस के दिन है, ये बोनस के दिन है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से आपके वेतन में आपको बोनस मिलता है, प्रभु भी आपके अच्छे कामों के अनुसार आपको बोनस की आयु प्रदान करता है। और अंत के दिनों में जब ये बोनस के दिन हमें मिल जाते हैं, तो ये हमारे लिए संपूर्ण रीति से प्रायश्चित के दिन ठहरने चाहिए, अपनी तैयारी के दिन ठहरने चाहिए, इंसान को अपने गुनाहों की तौबा के लिए ये समय देना चाहिए, पूरी जिंदगी भर के गुनाहों की माफी मांगते मांगते प्यारे भाइयों और बहनों उसे स्वर्ग जाने की तैयारी में लग जाना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चा जब बड़ा होता है स्कूल जाने की तैयारी करता है और अंत में नौकरी और उसके बाद शादी ब्याह और बच्चे, प्यारे भाइयों और बहनों वो अपने कामों को करता है, अंत के दिनों में जैसे जैसे हमारी उम्र नज़दीक आती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिनकी उम्र 80 वर्ष हो गई उन्हें कैसा फील होता होगा, आई डोंट नो हाउ डू यू फील, और जिनकी या फिर 90 वर्ष है तो उनको कैसा लगता होगा कि मेरा तो एक ही साल बचा है, अब पता नहीं कब मर जाऊंगा, अभी हो सकता 95 में मर जाऊं, हो सकता 91 में मर जाऊं, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक नौजवान युवक सोचता है अभी तो मैं 30 साल का हूं, अभी तो मेरे पास 50 साल और बाकी है, अभी तो मुझे बहुत, तो जो बूढ़ा हो गया है वो क्या सोचता होगा, जो बूढ़ा हो गया है वो क्या सोच रहा है इस वक्त। Old age is blessing, my dear brothers and sisters. वृद्धावस्था परमेश्वर की आशीष है। वृद्धावस्था में वो मुकुट आप ग्रहण करते हैं जो आपके कामों के अनुसार आपको प्रदान किया गया है। इसलिए वचन कहता प्रज्ञा ग्रंथ, प्रज्ञ है वह व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो गए हैं। और परमेश्वर वादा करता है कि हे यूदा, हे इज़राइल, याद कर तू मां की गोद में था और मैं तेरी रक्षा करता था, तेरे बाल पक जाने तक मैं तेरे साथ ऐसा ही करता रहूंगा, बशर्ते कि तू अपने बुरे कामों को त्याग दे। अगर तू लंबी आयु प्राप्त करना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से तौबा करना सिखा दे, अपनी जीभ को बुराई ना बोलने दे और देख तेरी आयु के दिन लंबे होंगे। और अनेक बातें बाइबल हमें बताती है, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 12:16 में एक सुंदर दृष्टांत हमें पढ़ने को मिलता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12:16 में हम पढ़ते हैं कि एक धनवान के बहुत सारी फसल हो गई और वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी इतनी फसल हो गई है और मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, मैं क्या करूंगा। भीड़ में किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है।
तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान के जमीन में बहुत फसल हुई। वह अपने मन में इस प्रकार का विचार करता रहा कि मैं क्या करूं, मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। हो सकता है आपने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, बहुत अच्छे कामों के द्वारा आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो अच्छे काम प्रभु को प्रिय नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई खोट रह गई है, उनमें कुछ कमी रह गई है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि यही दशा उस व्यक्ति की होती है जो इन सारी चीजों से प्यार करता लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं से प्यार नहीं करता। ईश्वर की आज्ञाओं से प्यार नहीं करता, तो इसलिए प्रभु आपसे ये कहता है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 और 2, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 1 और 2, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हम सब लोगों में एक प्यास है, आप लोगों में भी एक प्यास है, उसी प्यास के कारण आप यहां बैठे हैं, अन्यथा आप क्यों बैठेंगे यहां पर। आप कहीं और जाकर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्यास है, शायद आप जानते हैं या नहीं जानते। आपके घर में इस वक्त आपके माता पिता, आपके दो बच्चे और आपके इनलॉज इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और थोड़ा समय प्रभु को दे रहे हैं अपने कामकाज के बावजूद। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक भूख है, एक प्यास है। और वचन ये कहता है, अंत के दिनों में मैं लोगों के बीच में वचन की भूख लेकर आऊंगा। और वह बाइबल में कहती है, ये दिन बुरे हैं, इसलिए तुम लोग मेरे पास लौट कर चले आओ। तो वचन की भूख, वचन की प्यास, जिसे आप सुनना चाहते हैं। हो सकता है किसी को गर्भ के बंधन से छुटकारा पाना है, तो हो सकता है किसी के कामकाज नहीं बनते, हो सकता है किसी के श्राप नहीं टूट रहे, बंधन नहीं टूट रहे, आंतरिक चंगाई नहीं हो रही, प्रीनेटल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है जिसकी वजह से शरीर में, मन में, परिवार में शांति नहीं है, तो वो व्यक्ति शांति पाना चाहता है। जकेउस के जीवन में बंधन था, और बंधन उसके जीवन में ये था, सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में शांति नहीं थी, इसलिए उसके जीवन में वो प्यास थी। वो प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकता था, लेकिन उसे कहीं मिलती नहीं थी। जब ईसा के साथ उनका एनकाउंटर हो गया तो वो चुप नहीं बैठा, बोल उठा कि मैं अपनी आधी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट देता हूं। ये प्यास कितनी होनी चाहिए, जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी और आपकी आत्मा प्रभु के वचन के लिए तरसे। जैसे चातक एक पानी की बूंद के लिए तरसता रहता है, वैसे ही मेरी आत्मा प्रभु के वचनों के लिए भूखी है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचन मेरे जीवन में शांति प्रदान करें। हालेलुया। तो आपके जीवन में कितनी ही बातें क्यों ना हो, कितनी संपत्ति, कितना धन, कितनी ही चीजें क्यों ना हो, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए एक विश्वासी को सावधान रहने की आवश्यकता है।
एक विश्वासी को सावधान रहने की आवश्यकता है। हर दिन एक भलाई का काम करने की आवश्यकता है, ताकि जब आप मृत्यु के बाद पत्रस के सामने खड़े हों, जब आपके लिए स्वर्ग की पुस्तक खोली जाए और आपके गुनाह पढ़ पढ़कर सुनाए जाएं और अच्छे काम पढ़कर सुनाए जाएं, तो आपके अच्छे कामों की टोकरी आपके गुनाहों से ज्यादा भरी हुई हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हिसाब तो सबको देना है, लेखा तो सबको देना है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। वचन कहता है वो तख्त पे बैठेगा, वो न्याय का दिन होगा, वो अपने दाएं और बाएं के लोगों को संबोधित करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। आप इन बातों को सुनते हैं, ये बातें मेरी नहीं, ये बातें पवित्र शास्त्र की बातें हैं, और पवित्र शास्त्र कभी झूठा नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम लोग सांसारिक बातों में ना फंसकर, भौतिक चीजों में ना फंसकर, पवित्र वचन में बढ़ने की कोशिश करें और बाकी की चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आप क्या खोजते हैं? आप किसकी खोज में लगे रहते हैं? आप ये कर लो, आप यहां आ जाओ, आप वहां जाओ, तुम यहां जाओ, यहां जाओ, हमें बारे समय नहीं है। हम प्रभु को समय देते हैं तो बचा खुचा समय देते हैं, बड़े तकल्लुफ उठाने के बाद हम समय देते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो समय प्यार से नहीं देते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने के बाद, हाय तौबा, लुटने लुट गया, मर गया, उसके बाद जाके बाइबल खोलना, दिया जलाना, हाँ प्यार नहीं है तो प्रभु नहीं सुनेगा, वो नहीं रहता। प्रभु का वचन कहता है योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, जिस घर में प्रेम नहीं है ईश्वर है ही नहीं। जितनी मर्जी पूजा पाठ करते रहिए आप, जिस घर में प्रेम है वहां पर ईश्वर निवास करता है। और इसलिए प्रभु ये कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। याकूब लिखता, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो स्वार्थ की प्रार्थना है। हाय प्रभु मैं चंगा हो जाऊं, हाय प्रभु मेरा ये हो जाए, हाय प्रभु मेरा वीजा लग जाए, हाय प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा ये चल जाए। धन्यवाद कोई नहीं देता है। लेकिन बाइबल हमें क्या कह रही है कि तुम पहले ईश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। नौकरी भी मिलेगी, वीजे भी लगेंगे, प्रेम भी बढ़ेगा, भाई बहन भी अच्छे होंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा, आपको प्रभु सारी चीजों से उन्नत करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग पूछते हैं ये कहां है, शिष्यों ने पूछा ईश्वर का राज्य कहां है, कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा? तो जहां ईश्वर है वहां ईश्वर का राज्य है। और ईश्वर कहां है? जहां प्रेम है। सवाल का जवाब बाइबल हमें देती है। आप पूछेंगे कि ईश्वर कहां रहता है, ईश्वर का राज्य कहां है, तो जहां ईश्वर रहता है वहां पर ईश्वर का राज्य बना रहता है। और ईश्वर कहां रहता है? जहां पर प्रेम बना रहता है, ईश्वर का राज्य उस जगह पर बना रहता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रेम, भरोसा और विश्वास अटल है, ये बने रहेंगे, लेकिन प्रेम इनसे सबसे बड़ा है, प्रेम इनमें सबसे बड़ा है। और इसका प्रमाण ये है कि उसने हमको सबसे पहले प्रेम किया, हमने प्रेम नहीं किया। इसलिए प्रभु आज के दिन में आप लोगों को यह शिक्षा दे रहा है, जैसे कि उसने कफरनहूम में खड़े होकर सभागृह में लोगों को संबोधित किया,
पतरस की नाव में बैठकर उसने लोगों को वचन सुनाया और उसके बाद लोगों पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17, रोमियों का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य लड़ाई झगड़े का नहीं है। ईश्वर का राज्य मन मुटावों का नहीं है। ईश्वर का राज्य शांति और न्याय का है। ईश्वर का राज्य प्रेम और भलाई का है। ईश्वर का राज्य, प्यारे भाइयों और बहनों, सेवा का राज्य है। ईश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है। तो मैं समझता हूं कि आपको जवाब मिल गया है कि हमें किस चीज की खोज करनी चाहिए। हमें ईश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। यूहन के दो शिष्य देखने गए कि यीशु कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है। उन्होंने देखा और वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बताया कि वो आपसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप ईश्वर की खोज करें। आप प्रेम में बने रहेंगे तो ईश्वर की खोज और उसके रहस्य आपको पता लगते जाएंगे। उसके सानिध्य की खोज करना, सिद्धांतों की खोज करना, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीष के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे, चंगाई प्रदान करे, आज के वचन हमारे जीवन में और परिवार में शांति और प्रेम को स्थापित करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए। तेरा प्रेम, तेरा प्रेम मेरे जीवन में, मेरे जीवन में छा जाए, छा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आएंगे सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना विश्वास के साथ सारे बंधनों को तोड़ देती है। और मरना उसके साथ है, जीना उसके साथ मरना उसके साथ है। यीशु तेरी आराधना, ये
बंधन टूटे यीशु के पवित्र नाम से, रूह का दुगना मस्सा छा जाए, स्वर्ग द्वार खुल जाए, यीशु की आत्मा अधिकार ले। हालेलुया 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 हालेलुया। कैंसर की बीमारी, शरीर के रोगों की बीमारी, लीवर के रोगों की बीमारी, गुर्दों की पथरियों की बीमारी, पित्त की थैली की पथरियों की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, यीशु के पवित्र लहू से जलकर राख हो। यीशु के पवित्र नाम से रूह का दुगना मस्सा छा जाए। हे प्रभु यीशु, जीभ के बंधन टूटे, जीव के बंधन टूटे, लोगों को बोलने की आशीष मिले, चंगाई मिले, होठों को शुद्ध कर, पवित्र कर, परिवारों से प्रभु पुराने जीवन से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधन टूटे। नौजवान बच्चों को प्रभु तेरी आशीष मिले, आज की इस आराधना के द्वारा इन बेटे बेटियों के जीवन में तेरी शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के सानिध्य का अनुभव करें, उसकी रूह का मस्सा हमें घेरे हुए है, हमारे परिवार उसकी मामूरी से भर जाए, हम उसकी हमदोसना गा रहे हैं, उसका पाक कलाम हमने सुना है, हमारी रूह उसके पवित्र लहू से ब्लेस हो जाए। मैं आपके शरीर को सिर से लेकर पांव तक प्रभु के पवित्र लहू से मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आपके जीवन से, परिवार से हर प्रकार की बुराई की आत्मा को डिस्कनेक्ट करता हूँ, हर प्रकार के बुरे लोगों को, बुरे दोस्तों को, बुरे मित्रों को, हे प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करते हैं, इनके जीवन से अलग कर दीजिए। ये तेरे चुने हुए बेटे बेटियां हैं, तेरी चुनी हुई प्रजा हैं, इन पर दया कर, इन्हें आंतरिक चंगाई प्रदान कर। जो जीवन में निराश हैं, टूटे हुए हैं, हे प्रभु इन्हें हौसला दे। प्रभु ये मोक्ष पाने की आशा में हैं, तुझसे जुड़ने की आशा में हैं, तेरे वचनों से जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। इनके परिवारों में प्रभु तेरी रूह का दुगना मसा छाया रहे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ कर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता
अपनी गवाही भेजी है। इन्होंने लिखते हैं कि मेरे पैर में 20 साल से घाव था। हमारा परिवार नित्य प्रतिदिन बैंड फॉर जीसस द्वारा संचालित आराधना में निरंतर भाग लेता था और चंगाई के लिए प्रार्थना करता था। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और मेरे पैर में जो 20 साल से जो घाव था वो सूख गया, ठीक हो गया। इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है याद रखना, वो ईश्वर के लिए संभव है। कुछ घाव केवल परमेश्वर ठीक कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। अब वो घाव चाहे 40 साल का हो, 20 साल का हो, 70 साल का हो या 80 साल का, क्योंकि वचन हमें बताता है 38 बरस के अर्धांग रोगी को प्रभु ने चंगा किया। 38 साल तक उसने इंतजार किया। सविता मुंबई से लिखती हैं, मैं रोज करुणामाला प्रार्थना में तथा आराधना में भाग लेती हूं। करुणामाला प्रार्थना करते वक्त फादर अशोक के चेहरे में मुझे 2 बार प्रभु यीशु मसीह के दर्शन महसूस हुए और मैंने चंगाई को ग्रहण किया। बीमारी और परेशानी मेरे घर से दूर चली गई। इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोगों को जो प्रार्थना करते हैं मैं धन्यवाद देती हूँ। बोले आमेन, आमेन। जोहानी इंदवार रांची से लिखती हैं कि प्रभु ने हमारे परिवार में अद्भुत कार्य किए। हमने 2003 में जमीन खरीदी थी पर आर्थिक तंगी के कारण रजिस्ट्री नहीं कर पाए थे। ईश्वर की कृपा से हमने 30 सितंबर को अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराई। कितने सालों के बाद? 17 सालों के बाद। इसके लिए हमने लोगों से उधार लिया था जो हमें कुछ महीनों में वापस करना था। रात दिन इसकी चिंता में रहते थे कि कैसे वापस करेंगे, पर हम निरंतर अपने निवेदन प्रभु के समक्ष रखते, आराधना में हम प्रार्थना करते और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे कर्ज के 35,000 माफ हो गए, माफ हो गए। प्रतिदिन वचनों को सुनने से हमारा विश्वास दृढ़ हुआ और उसी विश्वास के कारण प्रभु का अद्भुत चमत्कार हमने अपने जीवन में देखा। कई लोग सोचते हैं कि हमने कर्ज ले रखा है तो हमें कौन देगा, हमें क्या होगा, कैसे चुकाएंगे। आप धार्मिकता की खोज करें और परमेश्वर कैसे प्रबंध करता है कि वो कर्जा ही माफ करा दिया, आपको देने की जरूरत नहीं है, वो माफ हो गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में भी गवाहियां, बहुत सारी गवाहियां, आप महसूस नहीं करते उसको। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, बस इतनी सी बात है। आप अपने घर पर भरोसा करते हैं, अपनी खेती बाड़ी पर आपको बड़ा नाज है। आपके बेटे जो पढ़ा लिखा है ना, काम करता है, उस पर बड़ा नाज है। हाँ, कमा तो रहा है 40,000, क्या फर्क पड़ता है, पर्याप्त है घर में। लेकिन जानते नहीं है कि पैसा तो कमा रहा है लेकिन जीवन में उसके शांति नहीं है। घर में शांति होना जरूरी है, सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं, शांति नहीं तो कुछ भी नहीं है। और आप गवाही नहीं दे पाएंगे, कैसे गवाही देंगे प्यारे भाई और बहनों। जब मैं आपकी गवाहियां सुनता हूं तो प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हे प्रभु, आप इस पवित्र पवित्र संस्कार की आराधना के द्वारा लोगों को आप YouTube के माध्यम से ही चंगे करते जा रहे हैं और तमाम लोग, सैकड़ों लोग इस बात की गवाही देते हैं कि फादर जी, हमारे घर को आपने बदल दिया। तो मैं कहता हूं, मैंने नहीं बदला, प्रभु के वचन ने बदल दिया। 1 घंटा या 2 घंटा जो वचन सुनते हैं, कई परिवारों ने कहा हम घर में 4 जने रहते हैं, हमारी आपस में कभी एक दूसरे से बनती नहीं थी, लेकिन जब से हमने आराधना में भाग लेना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, वचन को सुनना शुरू किया,
हमारा जीवन बदल गया फादर, हमारा जीवन बदल गया। अनेक लोगों की गवाही है, आपका भी बदला है। महसूस करें और गवाही दें। इस वक्त हम घुटनों पर आएंगे, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्रभु ने आशीष दें। जो नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी मिल जाए। जो जीवन साथी की तलाश में, उन्हें जीवन साथी मिल जाए। जो नशे में हैं, प्रभु उन्हें छुटकारा दे। जो मन परिवर्तन का वरदान चाहते हैं, प्रभु उनके जीवन में ऐसा होने दे। जादू टोने तंत्र मंत्र के दुष्ट आत्माओं से प्रभु आज़ाद करे। कैंसर की बीमारी आपके शरीरों को छोड़े और जाए। लकवे की बीमारी, कर्ज के बंधन, यूट्रस की गांठें, लकवे की बीमारी, पथरी, ब्रेन ट्यूमर, असाध्य रोग, अस्थमा के रोग, भय की दुष्ट आत्मा आप लोगों के परिवारों से, शरीरों से निकले और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष और चंगाई प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, आज का वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, ये धार्मिकता की खोज में रहे, इनकी धार्मिकता इनके आगे आगे चले, तेरी महिमा इनके पीछे पीछे आए। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। हे प्रभु, तेरा वादा है, यदि तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले और इन्हें चंगाई प्रदान करे। तेरे वचन आज जो इन्हें सुनाए गए हैं प्रभु, इनके जीवन में पूरे हो जाए। इनके घरों परिवारों में तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए। और प्रभु यीशु, मैं तेरा दास इनके लिए प्रायश्चित करता हूँ। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर इनके गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। हमारे देश को, देश के अधिकारियों को, शासकों को, प्रशासकों को अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर, इनके जीवन में निस्वार्थ सेवा का वरदान दे। जो जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई हैं, वो हे प्रभु यीशु निस्वार्थ रूप से कर सकें। सारे पुरोहितों, धर्माध्यक्षों को, प्रचारकों को, तेरे सेवक सेविकाओं को आशीष प्रदान कर, इनके जीवन में तेरी शांति बनी रहे, ये पवित्रताई का जीवन जीकर तेरी सेवा करते जाए। बच्चों और नवयुवक युवतियों को, नवजात शिशुओं को आशीष प्रदान कर दे। इनके जीवन को पवित्र कर। पति पत्नियों पर आशीष दे, दंपतियों पर, बुजुर्गों पर जो बूढ़े हो चले हैं, हे प्रभु उनमें तेरे वचनों के प्रति प्रेम भर दे, सेवा का वरदान दे। हे प्रभु यीशु, तेरी वाणी को सुनकर, हे प्रभु तेरे वचन पर मनन चिंतन करना सीख जाए और तेरी रूह का दुगना मसा प्राप्त करते जाए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सच्चे दिल से पवित्र, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सभी जन अपने सिरों को झुकाएंगे।
प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए इस दिन के लिए, इस संध्या वेला के लिए ये गीत को गाते हुए प्रभु के जलाली और सामर्थी नाम को धन्यवाद देंगे। दिखाने के लिए प्रभु के नाम को, जलाली नाम को एक बार और जोरदार तालियां बजाते हुए धन्यवाद देंगे।